बिजनौर के चांदपुर में ऑल इंडिया इमाम काउंसिलिंग के बैनर तले मॉम लिंचिंग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद एसडीएम चांदपुर को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में इमाम काउंसिलिंग ने बताया कि देश में बढ़ रही मॉम लिंचिंग की घटनाओं में लिप्त आरोपियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। धर्म के नाम पर देश में धार्मिक हिंसा फैलाने का काम किया जा रहा है और गुट बनाकर अल्पसंख्यक एवं दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है, इनको रोका जाए। और हाल ही में तबरेज अंसारी की हुई हत्या में शामिल हत्यारों के विरोध में कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं एसडीएम चांदपुर ने शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि किसी को भी क्षेत्र में शांति व्यवस्था बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा और इस तरह की घटनाएं करने वालों के विरोध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम हारी मोहम्मद उस्मान फुरतानी, मैं जिला सदर ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल। आज हमारा ये जो प्रोटेस्ट हुआ है ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल चांदपुर के बैनर तले हुआ है। हमारे मुल्क के अंदर जो ये मॉब लिंचिंग के जरिए मुसलमानों पर और दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है, हमने इसके खिलाफ निकाला है और सरकार से मांग की है कि हमारे मुल्क के अंदर जो ये मॉब लिंचिंग चल रहा है इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ताकि हमारे मुल्क के अंदर दोबारा ये मॉब लिंचिंग का जरिया सामने ना सके। आज हमने सदर जमहूरिया के नाम एसडीएम साहब को, एसडीएम तहसील चांदपुर को मेमोरेंडम दिया है। इंसाफ की उम्मीद के साथ हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के चांदपुर की इकाई के माध्यम से एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है जिसमें झारखंड में मॉब लिंचिंग के दौरान जो तबरेज की हत्या हुई है इसके विरोध में दिया है और 5 सूत्री अपना ज्ञापन दिया है। इन पर सहानुभूति भी पूर्वक विचार करने के लिए मैं आज ही इसको फैक्स कर दूँगा और भरोसा रखिए कि जरूर जो है यहाँ अमन चैन कायम रहेगा। आप लोग भी इसमें, आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इसमें सहयोग करेंगे।